Hello and welcome in today's video. The topic for today's discussion is Mauryan's popular art, the stupa. Before starting discussion, let's quickly check the topic for today's discussion. First, we'll see brief about stupa. Secondly, we'll see type of stupa. Third, characteristics of stupa. Elevation of stupa. Ashokan's stupa and Sachi stupa, various other stupas in India and its description. Lastly, we'll have the summary. So friends, let's get started. Buddhism grew rapidly during and after Lord Buddha's lifetime. Its practices and ideals emerged through interaction with other tradition. Jaise dusre tradition mein bahut sari पूजा करने के ऑब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही बुद्धिज्म में चैत्य स्तूपा और लाइफ प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म ये ऑब्जेक्ट ऑफ वेनरेशन है एंड दीज ऑल थिंग्स मेड बुद्धिज्म वेरी पॉपुलर. ऑब्जेक्ट ऑफ वेनरेशन का मतलब होता है पूजा से रिलेटेड चीजें या पूजा से रिलेटेड कोई टेम्पल या रिलीजियस मॉन्यूमेंट टाइप. स्तूपास आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ बुद्धिज्म. स्तूपा का मतलब होता है, ये एक संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप और माउंड. मड से ढका हुआ एक गुंबद समझ लीजिए या फिर माउंड समझ लीजिए. स्तूपा के बारे में और डिटेल में जानने से पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट है स्तूपा बने क्यों थे, व्हाई वर स्तूपा बिल्ड. अकॉर्डिंग टू महापरिनिब्बान सुत्ता विच इज पार्ट ऑफ सुत्तपिटक, only one of the holy Buddhist scripture, when Buddha was about to attain Mahaparinibbana, means on the deathbed, his disciple Ananda asked him what to do with the remains of Buddha. Buddha told him to erect stupa on the four crossroad and whosoever shall be there, place garland and make perfume and salute or become peaceful, this place will become joyous and peaceful for long time. Buddha ने खुद advice किया था stupa बनाने के लिए. That is why stupas were built. अब ये stupa कैसे बने? Buddha की death के बाद महाजनपद खुशीनगर ये मल्लास के control में था. इन्होंने Buddha के अवशेष अपने पास रख लिए थे जिसकी वजह से अजातशत्रु जो मगध रीजन को रूल करते थे, लिच्छवीज जो वैशाली रीजन को रूल करते थे और कोलियाज जो रामनगर एरिया को रूल करते थे और भी बहुत सारे किंगडम्स ने मिलकर मल्लास पर आक्रमण कर दिया था. आक्रमण के बाद मल्लास ने एग्री किया कि बुद्धा के जो शेष अंग है या एशेज या बोन्स है वो सात भागों में डिवाइड कर दिया जाए और हर एक पार्ट एक एक किंगडम को दिया जाएगा. एज पर द एडवाइस ऑफ बुद्धा हिज होली रिलिक्स वर बरीड एट सिग्निफिकेंट क्रॉस रोड एज स्तूपा ऑफ मड्स वेर रेज्ड ऑन देम फॉर पीपल टू पे देयर रिस्पेक्ट बाय वेनरेटिंग देम. पूजा करने के लिए उन्होंने ये स्तूपास बनाए. नाउ लेट्स सी हाउ इज अशोका रिलेटेड टू ऑल दीज स्तूपा. अशोका बिलीव्ड इन बुद्धिज्म. उन्होंने सारे आठ स्तूपास को ओपन करके जो पहले किंगडम्स में बनाए गए थे वो सिर्फ एक मड से ढके हुए स्ट्रक्चर्स थे, तो उसमें से उन्होंने अशोका ने सारे स्तूपा को ओपन करके एशेस और बोन को निकाल के उनको और स्मॉलर पोर्शन में डिवाइड करके अशोका ने ब्रिक से कवर कर दिया और जो एक्सट्रैक्टेड सेक्रेड रिलिक्स थे उससे भी और ज्यादा स्तूपा कंस्ट्रक्ट कर दिए गए ऑल ओवर द कंट्री. इट इज हेल्ड दैट एम्परर हैड कंस्ट्रक्टेड 84,000 स्तूपास ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ऑल्दो अ वैदिक ट्रेडिशन, स्तूप बनाना वैदिक ट्रेडिशन था, बट स्तूपास वर पॉपुलराइज्ड बाय द बुद्धिस्ट. आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा 9 स्तूपास वर इरेक्टेड. 8 ऑफ देम had the relics of Buddhas at their mandis, while 9th had the pot, जिसमें ashes पहली बार रखे गए थे, उस pot को भी एक अलग जगह पर
बरी किया गया, फिर वहां पर स्तूपा बनाया गया। अर्ली चाइनीज मेंशन दैट इंडियन क्रिएटेड वास्ट नंबर ऑफ स्तूपास सिंपली बाय पाइलिंग स्टोन्स एंड ब्रिक्स। इट इज द प्रैक्टिस विच कंटिन्यूड इन इंडिया बुद्धिस्ट स्टेट इवन टूडे। जस्ट प्लेसिंग अ फ्यू पेबल्स वन ऑन टॉप ऑफ अदर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप फॉर डिविनिटी इन सीन इन द होल क्रिएशन। द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा एनश्राइंड हिज मॉर्टल रिमेन्स इन अ नंबर ऑफ स्तूपास। दस बिगेन अ ट्रेडिशन विच स्प्रेड टू मेनी कंट्रीज एंड कंटिन्यू टिल टूडे। लेटेस्ट स्तूपास हाउसेज द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ अदर्स द पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड अदर बुद्धिस्ट टीचिंग्स। स्तूपा चैत्या एंड विहाराज ये बुद्धिस्ट और जैनिस्ट मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स के पार्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा स्तूप चैत्या और विहारा बुद्धिस्ट बिलोंगिंग्स है, बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्तूपा इन द 3rd century BC एट बैरात राजस्थान। सेकेंड एग्जाम्पल है द ग्रेट स्तूपा सांची वॉज बिल्ट विथ रॉक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका एंड लेटर इट वॉज स्टोन एंड मेनी न्यू एडिशंस वर मेड। सब्सिक्वेंटली बहुत सारे स्तूपास बने विच शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म। फ्रॉम 2nd century BC ऑनवर्ड वी गेट मेनी इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस मेंशनिंग डोनर्स एंड एट टाइम्स देयर प्रोफेशन। जो स्तूपास की रेलिंग्स होती है उसमें मोस्टली जो लोगों ने डोनेशन दिया था स्तूपा बिल्ड करने के समय उसके उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। द पैटर्न ऑफ पेट्रेनेज हैज बीन अ वेरी कलेक्टिव वन एंड देयर आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ रॉयल पेट्रोनेज। पेट्रन्स रेंज फ्रॉम ले डिवोटीज टू ग्रहपतिज। ग्रहपतिज का मतलब है हाउस होल्डर्स ऑर्डनरी फार्मर्स एक्सेट्रा एंड किंग्स। डोनेशन बाय द गिल्ड आर ऑल्सो मैंशन एट सेवरल प्लेसेस। जब स्तूपा बनना था उसके पहले डोनेशंस लगे थे या लोगों ने डोनेशन दिए थे जिसमें मॉन्क्स नंस सारे लोगों ने डोनेशन दिया था और ये स्तूपा के रेलिंग्स में डिपिक्ट किया हुआ है। बुद्धिज्म में तीन टाइप के रिलीजियस आर्किटेक्चर है। पहला विहारास जिसे मोनेस्ट्रीज भी कहते हैं। सेकेंड प्लेसेस टू वेनरेट रिलिक्स जिसे स्तूपा कहते हैं। थर्ड श्राइन्स और प्रेयर हॉल जिसे चैत्या कहते हैं या चैत्या ग्रहस भी बोलते हैं। चैत्यास को बाद में टेम्पल्स भी कहा जाने लगा। द पगोड़ा इज एन इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्तूपा। द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर एंड वॉज ओरिजिनली कमीशन बाय द एम्परर अशोका द ग्रेट इन द 3rd century BCE। इट्स न्यूक्लियस वॉज अ हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ड ओवर द रिलिक्स ऑफ द बुद्धा। स्तूपा दो टाइप के फॉर्म में हमें मिलेंगे। पहला है फ्री स्टैंडिंग और बिल्डअप जिसके ऊपर पूरा बिल्डिंग या कुछ आर्किटेक्चरल वर्क के तरीके से बिल्ड करा हुआ है। सेकेंड है रॉक कट एस्कवेटेड जो रॉक को कट करके एस्कवेट किया गया है। मोस्टली चैत्या हॉल्स के अंदर भी स्तूपा होते हैं। स्तूपास वेरीगेटेड इन साइज शेप एंड अडॉर्नमेंट आर लोकेटेड मेनली इन इंडिया टिबेट नेपाल श्रीलंका एंड अदर रीजन ऑफ ईस्ट एशिया। स्तूपा सिग्निफिकेंस इज दिस प्लेस इज मोस्टली यूज फॉर मेडिटेशन पर्पसेस। सेकेंडली हाउ स्टडी ऑफ स्तूपास कैन बी डन। तीन टाइप के टेंजेंट है। फर्स्टली हिस्टोरिकल बेस, सेकेंड उसके स्टाइल बेस और तीसरा रिलीजन बेस। हिस्टोरिकल बेस सपोज मौर्यन पीरियड का स्तूपा अलग होगा एज कम्पेयर टू खुशांग पीरियड। नेक्स्ट स्टाइल जो उसका स्ट्रक्चर होता है जो एलिवेशन होता है हर एक स्तूपास का अलग होता है। थर्ड रिलीजन अब हर एक रीजन में अलग अलग टाइप के स्तूपास मिलेंगे। द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ स्तूपा कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू टू फेज। फर्स्ट इज हिनयान और थेरावाद या फिर बोलेंगे महायान। ये दो सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के अंदर ही। उन्होंने अलग अलग स्तूपा को
डिजाइन किया है। एम्परर अशोका ने बहुत सारे बुद्धिस्ट रिलिक्स को कलेक्ट करके 84,000 स्तूपास बनाए थे। दीज स्तूपास आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंडिया। इन फैक्ट मेनी स्तूपास आर थॉट टू डेट ओरिजिनली फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका सच एज सांची और केसरिया वेयर ही ऑल्सो इरेक्टेड पिल्लर्स विथ इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन से भी हमें पता चलता है कि ये स्तूपास क्यों बने थे, किस लिए बने थे, कैसे बने थे। पॉसिबली भरूत, अमरावती, धर्माजिका इन गंधारा, ये भी अशोकन पीरियड में डेवलप होने स्टार्ट हुए थे। अशोका ऑल्सो एस्टेब्लिश द पिलर ऑफ अशोका थ्रू आउट हिज रियाल जनरली नेक्स्ट टू बुद्धिस्ट स्तूपा। परिनिर्वाण के बाद में राजगृह, वैशाली, कपिल वस्तु, अलकापा, रामाग्रामा, पावा, खुशीनगर और वेथापिदा में स्तूपास बने थे जस्ट आफ्टर परिनिर्वाणा। यहां से ही अशोका ने इनके रिलिक्स को बरामद करके 84,000 अलग अलग स्तूपास बनाए थे। द पिपराहवा स्तूपा ऑल्सो सीम्स टू बी वन ऑफ द फर्स्ट टू बी बिल्ड। पिपराहवा एक यूपी में नेपाल बॉर्डर के पास जगह है जिसे माना जाता है कि ये एंशंट पीरियड का कपिल वस्तु है जहां पे बुद्धा ने अपने 29 इयर्स स्पेंड किए थे। स्तूपास आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। सरीरका स्तूपा, बरीड बॉडीली रिमेन्स ऑफ द बुद्धा। सरीरका मीन्स आप समझ पा रहे शरीर से डिराइव्ड हुआ है, इसलिए बॉडीली रिमेन्स ऑफ द बुद्धा यहाँ पर बरी किया जाता है या फिर इसके ऊपर स्तूप बनाया जाता है। परिभोगिका स्तूपा, बरीड बिलोंगिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जितने भी उनके बिलोंगिंग्स थे उसके ऊपर भी स्तूपा बनाया गया जस्ट एन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेनरेशन। पूजा के लिए कुछ होना चाहिए इसलिए बुद्धिज्म ने बुद्धा की रिलिक्स प्लस बुद्धा की बिलोंगिंग्स को स्तूपा में कन्वर्ट करा। उद्देशिका स्तूपा, ये मेमोरियल्स हैं। बहुत सारे जो संत हैं या जो इनके रेनाउंड प्रीचर्स हैं उनकी बॉडी को स्तूपा में कन्वर्ट किया जाता है, उनके रिलिक्स को स्तूपा में कन्वर्ट किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है, पर्पस होता है बुद्धिज्म को रेनाउंड करना, इसलिए उद्देशिका स्तूपा बनाया जाता है। ये डायग्रामेटिक फॉर्म है स्तूपा का। आगे हम देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्तूपा। स्तूपा का जो आर्किटेक्चर है कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम विद अ सर्कुलर अंडा एंड अ हर्मिका एंड अ चैत्रा ऑन द टॉप। अंडा हेमिस्फेरिकल माउंट होता है, सिंबॉलिक ऑफ द माउंट ऑफ डर्ट यूज्ड टू कवर बुद्धास रिमेन। इन मेनी स्तूपा एक्चुअल रिलिक्स वर यूज। सेकेंड इज हर्मिका। हर्मिका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, स्क्वायर रेलिंग ऑन टॉप ऑफ द माउंट। चैत्रा, सेंट्रल पिलर सपोर्टिंग अ ट्रिपल अम्ब्रेला फॉर्म। वेदिका, द स्तूप इज एनक्लोज्ड बाय अ वेदिका। एट भरूत, सांची एंड अमरावती द वेदिका कंसिस्ट ऑफ अपराइट पिलर विथ थ्री ट्रांसवर्स बार्स नोन एज सूची। द रेलिंग इज प्रोवाइडेड विथ फोर गेटवेज। पाथ ऑफ सर्कम्बुलेशन, इसे प्रदक्षिणा पाथ भी कहते हैं, हिंदू टेम्पल्स में परिक्रमा भी कहते हैं इसे। रन्स अराउंड द स्तूपा एट द ग्राउंड एट लेवल विथ इन द रेलिंग। तोरण होते हैं, तोरण्स वर सेरेमोनियल गेटवेज अराउंड द स्तूपास। ये पिक्चर डिपिक्ट करता है इवेल्युएशन ऑफ स्तूपास। सबसे पहले मॉरियंस ने कुछ इस तरीके का माउंट बनाया था, लेटर पीरियड में कुछ आर्किटेक्चरल वर्क करके उसे इवेल्युएट इवॉल्व किया गया और डिफरेंट फॉर्म्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिवेशन ऑफ स्तूपास। द कोर ऑफ द स्तूपा वॉज मेड अप ऑफ अनबर्न ब्रिक्स वाइल द आउटर सरफेस वॉज मेड अप बाय यूजिंग बर्न ब्रिक्स विच वर देन कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ प्लास्टर। द मेढी एंड द तोरण वर डेकोरेटेड बाय वुडन स्कल्पचर्स। Devotees walk around the Pradakshina path or open ambulatory passage as a token of worship. The originally carved gateways were installed at four cardinal points. The worshipper enters
through eastern gateway and walked around the mounds in clockwise direction. Sachi stoop in Madhya Pradesh is the most famous example of the Ashokan stoop. Piprahava stupa in Uttar Pradesh is the oldest one. अगर हम डिटेल में इस पिक्चर को देखें तो ये जो सर्कुलर सेमी सर्कुलर जो माउंड है इसे हम कहते हैं अंडा. Above which this balcony structure इसे हम कहते हैं हर्मिका, जिसे गॉड्स अबोर्ड भी कहते हैं, मीन्स प्लेस वेयर गॉड लिव. इसे छतरी कहते हैं, दिस इज छतरी और अम्ब्रेला. इसे प्रदक्षिणा मार्ग कहते हैं. द माउंड इज सराउंडेड बाय रेलिंग्स, ये रेलिंग्स विच सेपरेटेड सेक्रेट स्पेस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. इसे तोरण द्वार कहते हैं एंड दिस इज द रेलिंग्स. ये आप चार डायरेक्शन में, ये चार तोरण द्वार है. सांची और बहरूत के अर्लियर स्ट्रक्चर में ये जो रेलिंग है ये स्टोन से वुड से बनी हुई थी, बाद में इसे कार्व किया गया स्टोन से. ये जो छोटी रेलिंग है इसे वेदिका कहते हैं, इसे प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं. दिस इज स्टेयरवेज, दिस इज तोरण द्वार, प्रदक्षिणा पाथ. इसे नीचे वाले को भी प्रदक्षिणा पाथ ही कहते हैं. दिस इज आर्च गेट या फिर पिलर ऑफ तोरण भी कह सकते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेदिका. जो रेलिंग्स है, रेलिंग्स में ये जो डिजाइन है, दिस इज कॉल्ड रेलिंग एंड दिस इज कॉल्ड वेदिका. वेदिका ये जो छोटे छोटे ये लाइंस जो बने हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे वेदिका कहते हैं. दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर या एलिवेशन बोल सकते हैं, ऐसा ही स्तूप बनता है. द स्पेरिफिकल डोम सिंबलाइज द इनफाइनाइट स्पेस ऑफ द स्काई अबोर्ड ऑफ गॉड. द डोम इज कॉल्ड एज अंडा और एग. द डोम इज अ सॉलिड ब्रिक वर्क, इज 36.60 मीटर in dia and 16.46 meter high. A large hemispherical dome which is flat at the top and crowned by a triple umbrella or chhatra on a pedestal surrounded by a square railing or harmika. A railing enclosed called vedika which is about 3.35 meter high, leaving an ambulatory passage or pradakshina path with the gateway. At the base of the dome is a high circular terrace probably meant for parikrama or circumvallation and an encircling balustrade. The terrace hum meedi bhi bolte hain, 4.87 meter high from the ground was added, thus creating a separate and upper ambulatory passage 1.8 meter wide. There are four gateways known as toranas at the cardinal point of the campus, torans built by ivory or metal worker. Toran consists of two square upright columns with capitals or lions of elephant head denoting strength. Isse columns keh rahe hain. This is columns and this is divided by three more separate horizontal panel between each, which is row of ornamental balusters. The panel have volutes at their terminal end surmounting with animal sculptures. ये अगर आप देखें तो ये स्पेस की बात हो रही है, एनिमल है यहाँ पे एलिफेंट, ये दिस स्पेस. The top panel is crowned with three ratna symbol of the Buddhist Trinity, Buddha, the law, Dharma and the monastic community, Sangha, with wheels of justice in the center which rest on elephant shaped pedestal. The total height of this erection is about 10.36 meter with a wide of 3
मीटर्स। इसको हम ध्यान से देखते हैं, दिस इज अपर एम्बुलेटरी, दिस इज लोअर एम्बुलेटरी, प्रदक्षिणा पाथ भी कहते हैं इन्हें, दिस इज स्टोन वेदिका, दिस इज हर्मिका, दिस इज हर्मिका एंड दिस इज ट्रिपल अम्ब्रेला एंड स्टेप्स लीडिंग टू अपर एम्बुलेटरी। ये इसको हमने डिटेल में देखा। यहाँ पर सेंस या प्रिलिम्स में रिलेटेड टू बुद्धिज्म या रिलेटेड टू स्तूपा आर्किटेक्चर क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको जो मैंने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं स्तूपा के, वो सारे आपको लिखने होंगे एंड ट्राई नॉट टू लीव एनी वन ऑफ दिस। कि आपने सपोज हर्मिका अगर आप भूल गए तो, या फिर आप कुछ लोअर एम्बुलेटरी भूल गए, प्रदक्षिणा पाथ भूल गए, तो ऐसे आपको मार्क्स नहीं आएंगे। आपको पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो है एलिवेशन, वो सारा आपको डिपिक्ट करके प्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्तूपास में बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या क्या डिपिक्शंस हुए हैं, क्या सिंबल्स है जिसका क्या मीनिंग है। इन द अर्ली स्टेज बुद्धास वर रिप्रेजेंटेड थ्रू सिंबल्स दैट रिप्रेजेंटेड द डिफरेंट इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ लाइक फुटप्रिंट्स, लोटस थोन, चक्रास, स्तूपास एक्सेट्रा। पहले अर्ली मौर्यंस पीरियड में अशोका के टाइम पे बुद्धा को स्टैच्यू, बुद्धा की स्टैच्यू नहीं बनाई गई थी, तो उन्हें सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था, मोस्टली स्तूपास पे। जातक स्टोरीज, लेटर ऑन जातक स्टोरीज भी डिपिक्ट करी गई, बनाई गई, स्कल्पचर्स बनाए गए इसके। जातक स्टोरीज आर द स्टोरीज एसोसिएटेड विद प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास, वेयर पोर्ट्रेड ऑन द रेलिंग्स एंड तोरण ऑफ द स्तूपा। द जातक स्टोरीज दैट फाइंड फ्रीक्वेंट डिपिक्शन आर चंदनता जातक, सिबी जातक, रूरु जातक, वैसेंतरा जातक, विधुर जातक एंड क्षमा जातक। ये लाइन्स को आप अच्छे से मार्क कर लेना या याद कर लेना, प्रिलिम्स में हो सकता है आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। द चीफ इवेंट फ्रॉम लाइफ, बुद्धास लाइफ विच आर नरेटेड इन द आर्ट आर बर्थ, रेनन्सिएशन, एनलाइटनमेंट, द फर्स्ट सर्मन, धर्म चक्र प्रवर्तना एंड महापरिनिर्वाणा, जिसे हम डेथ भी कहते हैं। ये सारी चीजें हर स्तूपा में डिपिक्ट की जाती है, या आप ये सारे स्क्रिप्चर्स आपको बुद्धा स्तूपा में मिल जाएंगे। द फाइनेस्ट सर्वाइविंग स्तूपा इज द ग्रेट सांची स्तूपा। व्हेन एम्परर अशोका वंस एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, ही बिल्ट हिज फर्स्ट स्तूपा एट सांची एंड लेटर सेवरल मोर एज वेल एज अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर। दिस प्लेस पोजेसेस अ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इवन दो द बुद्धिस्ट बुद्धा हैज नेवर विजिटेड द प्लेस। सांची वॉज बिल्ड एज द बुद्धिस्ट स्टडी एंड लर्निंग सेंटर। द मोस्ट फेमस अशोका पिलर विच कंटेन्स फोर लायन लाइक दैट ऑफ सारनाथ इज फाउंड इन सांची एज वेल एंड दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन अ ग्रीको बुद्धिस्ट स्टाइल। द स्तूपा सिंबलाइजेस बुद्धा एंड फाइनली इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ हिज फाइनल रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, द परिनिर्वाणा और द फाइनल डाइंग। सांची स्तूप गॉन थ्रू रिस्टोरेशन वर्क बिटवीन 1912 एंड 1919 अंडर द सुपरविजन ऑफ सर जॉन मार्शल। इट बिकेम वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1989। एम्परर अशोका हु पुट द फाउंडेशन ऑफ अ रिलीजियस सेंटर एट सांची प्रोबेबली चूजन बिकॉज ऑफ हिज क्वीन देवी हु वॉज द डॉटर ऑफ अ मर्चेंट ऑफ विदिशा बिलोंग्स टू हियर। Since 14th century, Sanchi remained deserted and undiscovered till 1818, when General Taylor rediscovered the site. Sir John Marshall established an archaeological museum in 1919, which was later converted into the present site museum at Sanchi. The pillar had a Ashokan inscription, seismic edict, and an inscription in the ornamental Shankha Lipi from the Gupta period. The Great Stupa at Sanchi is the oldest stone structure in India. Stoop number 1 or the Great Stupa is the principal monument. It is believed that the Sanchi Stupa is housing the relict of Buddha. Sanchi, especially Stupa 1, has a
large number of Brahmi inscription. It is 36.5 meter in diameter and rises almost 21.64 meters high. पहला स्तूप पिपरा हवा का है, but वो survive नहीं करता है और उसके ऊपर कोई आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए द ग्रेट स्तूपा एट सांची को ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया कहा गया है. सांची स्तूप इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेदिका रिलीफ पिलर्स फुल्ली कार्व्ड. 3rd century BCE का यहाँ पे अशोकन पिलर भी है. 2nd century BCE में इसकी जो रेलिंग्स थे वो वुडन थे, बाद में इसको कन्वर्ट किया गया स्टोन में. आज ये मॉन्यूमेंट काफी बड़ा हो गया है, पहले 2nd century BCE में ये 2 times छोटा था. बाय द एंड ऑफ 1st century BCE द सत्यवाना एक्सटेंडेड देयर थ्रोन टू MP और उन्होंने 4 तोरण द्वार्स इस स्तूपा में ऐड करे थे. इस स्तूपा में 631 इंस्क्रिप्शन है दैट टेल्स अबाउट द कार्विंग एंड डोनेशन ऑफ पीपल ऑफ विदिशा. द आर्ट वॉज क्रिएटेड फॉर गार्डनर मर्चेंट नन मॉन्ग्स, इन्होंने सारे लोगों ने डोनेशन दिए थे, इसलिए इनकी बारे में रेलिंग्स पे मेंशन किया है. दूसरा, हाफ डोनेशन, पूरे डोनेशन में हाफ द डोनेशन वर गिवन बाय वुमेन, ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है. दिस स्तूपा हैज मासिव वेदिका रेलिंग विदाउट कार्विंग. इसके तोरण में पिलर्स हैं विच सपोर्ट 3 architecture bars. बिटवीन द पिलर्स एंड आर्चिटाल ऑन द ईस्ट और नॉर्थ सुपरबली एलिफेंट इज मेड. वेस्ट गेट पे ड्राफ्ट बने हुए हैं और साउथ गेट पर साउथ तोरण पर लायंस बने हुए हैं. ईस्ट तोरण में ब्यूटिफुली मेड यक्षी जो मैंगो ट्री को पकड़ के रखी हुई है, ऐसी फिगर या ऐसी स्क्रप्चर पाई जाती है. सांची हैज अ पिलर ऑफ फाइनली पॉलिश सैंड स्टोन. वन ऑफ द पिलर ऑफ अशोका वॉज ऑल्सो इरेक्टेड ऑन द साइड ऑफ द मेन तोरण गेट. द कैपिटल कंसिस्ट इन 4 lions विच प्रोबेबली सपोर्टेड अ व्हील ऑफ लॉ. द पिलर हैज एन अशोकन इंस्क्रिप्शन जिसे हम सिज्मिक एडिक्ट भी कहते हैं. सिज्मिक इसलिए क्योंकि ये एक टाइप की वार्निंग है टू द मॉन्ग्स. शिजम एडिक्ट से ये पता चलता है कि अशोकन ने ये इंस्क्रिप्शन मॉन्ग्स के लिए बनाया था जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स कर रहे थे या डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे, उनको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसे करके एक एडिक्ट बनाया गया था. एंड इंस्क्रिप्शन इन द ऑर्नामेंटल शंखलिपि फ्रॉम द गुप्ता पीरियड यहाँ पे मिलता है. सांची रिलीफ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजुअल रिकॉर्ड ऑफ द आर्किटेक्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीरियड. सांची स्तूपा के कैंपस में 3 stupas मिलते हैं. दिस इज द मेन स्तूपा, दिस इज द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन इज दिस. ये अलग अलग पीरियड में अलग अलग किंगडम्स के रूलर्स ने इसे बनाया है. बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमें सांची के स्क्रप्चर्स को समझना पड़ेगा. सांची के स्क्रप्चर्स में जब तक हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या डिपिक्ट किया गया है स्क्रप्चर्स के थ्रू. अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर बुद्धा अटेन निब्बाना दैट इज एनलाइटनमेंट अंडर अ ट्री. सांची स्तूप में स्क्रप्चर्स में बुद्धा का ह्यूमन फिगराइन नहीं दिखेगा बट सिम्बॉल्स दिखेंगे, जैसे एम्प्टी सीट विच रिप्रेजेंट बुद्धा इन मेडिटेशन पोजिशन. व्हील्स जो दिखेंगे वो फर्स्ट सरमन के रहेंगे जो सारनाथ में उन्होंने दिया था. फिर दिखेगा ट्रीज विच इंसिडेंस बोधि ट्री जो कि सिंबल रहेगा एनलाइटनमेंट का. दिस इज द पिक्चर ऑफ शैल भंजिका स्कल्पचर ऑफ वुमेन होल्डिंग मैंगो ट्री. दिस वुमेन इज कंसिडर्ड हुज टच कॉजेस ट्रीज टू बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. ये स्क्रप्चर आपको सांची के तोरण द्वार पे दिखेगा. अलग अलग पिलर्स पर एलिफेंट्स के बहुत सारे ट्रेसेस मिले हैं, एलिफेंट स्क्रप्चर्स के. सिंबल ऑफ विजडम और स्ट्रेंथ ये एलिफेंट के लिए माना जाता है. अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स द शैल भंजिका मोटिफ
was regarded as an auspicious symbol and using it for decoration of the stupa. This suggests that many people that turned to Buddhism, they incorporated their pre-Buddhist, non-Buddhist ideals into Buddhism. And definitely, the symbols used in the scriptures at Sachi were derived from these traditions. The elephant, which shows strength and wisdom. Horse, jo symbol hai energy ka. Jatak stories, previous birth of Buddha. Motif of lady surrounded by lotus. ये एक सिंबल है, या तो आप इसे माया कह सकते हैं, जो कि गौतम बुद्ध की मदर थी. ये गौतम बुद्ध की मदर भी कहा जाता है, या तो गजलक्ष्मी ऐसा माना जाता है. कि ये दोनों में से कोई है जो ये इस पिक्चर में डिपिक्ट किया है. दिस इज द स्क्रप्चर ऑफ माया स्लीपिंग. माया इज बुद्धाज मदर. बिफोर हिज बर्थ ऐसा माना जाता है कि उनके सपने में एलिफेंट्स आए थे और उन्होंने इनके वोम में बुद्धा को छोड़कर चले गए थे. ये कुछ पिक्चर्स है जिसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा दिखाया गया है. दिस व्हील, दिस स्तूपा, ये सबसे पता चलता है कि सिंबॉलिक रूप दिया गया था, फिगराइन व्यू नहीं था बुद्धा का. दिस इज एनलाइटनमेंट फेज जिसमें Buddha is giving enlightenment in the near Bodhi tree. ये बुद्धा के पद है as a symbol of worship. These are the remains of structure जो सांची स्तूपा के nearby मिलता है. This is Ashokan pillar which is broken now. This is seismic edict. This is the pillar and this is capital of this pillar. This is stupa. Now let's see Piprahava stoop. The main stoop at Piprahava, one of the earliest so far discovered in India, was built in three phases. In the 5th and 6th century BC, around the time of the death of Buddha, it was raised by piling up natural earth from the surrounding area. This was in accordance with a request of the Buddha, who had asked that he be buried under the earth, heaped up as rice is heaped in an arm ball. इन्होंने इसका मतलब है कि एक कलश में या एक earthenware में आप उनके remains, body remains को रखें और उसके ऊपर mud से उसको cover कर दें. ऐसा वो चाहते थे. Second phase occurred during Ashokan rule and was likely completed after his death around 235 BC as part of the emperor's mission to distribute the relics of the assailed one. Ashoka opened up the original stupas containing the relics of the Buddha, then stored the stupa and entered a portion of what he had taken. The remaining relics were distributed to other new stupas. At Piprahava, the restoration consisted of filling thick clay over the structure of the building, two tier to each height of 4.55 meters. In third phase, during the Kushan period, the stupa was extensively enlarged and reached the height of 6.35 meters. जब अशोका ने माउंड को या जो पुराना वाला जो स्तूपा था उसको ओपन किया था, सो दिस वास वाज फाउंड. द इंस्क्रिप्शन रीड्स रिलिक्स ऑफ बुद्धा लॉर्ड. और ये पांच कलश उसमें से मिले थे. दिस इज पिप्रवाह स्तूपा. दिस इज नो मोर. दिस आर द रुइंस ऑफ स्तूपा. 1000 BC A great stupa was made at Bharut, at the eastern part of present MP. The railings of the stupa and one surviving gate kept at Indian Museum at Kolkata. मतलब इसका कुछ नहीं बचा, but एक surviving gate है जो बचा हुआ है, जो कि म्यूजियम में रखा है कलकत्ता के. That gate is the earliest stupa railing to have survived.
कि इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि रिलीफ और पिक्चर से कि डोनेशंस किस किस ने दिए थे. इंस्क्रिप्शन सजेस्ट डोनेशंस रिलीफ एंड पिक्चर्स एंड फिगर्स वे डोनेटेड बाय लिपि बुद्धास मॉन्क्स. द 9 foot हाई रेलिंग एंड गेटवे ऑफ तोरण आर मेड इन द इमिटेशन ऑफ वुडन आर्किटेक्चर ऑफ दैट टाइम. रेलिंग्स हमें उस समय के क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ बुद्धाज लाइफ, जातका, टेल्स ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, ये सब बताता है. कंडक्ट ऑफ डेली लाइफ, ये सारी चीजें वो रेलिंग के पीस से पता कर सकते हैं. द भरूत सुपा मे हैव बीन ओरिजिनली बिल्ड बाय अशोका इन 3rd century BCE, बट मेनी वर्क ऑफ आर्ट पर्टिकुलरली द गेटवे एंड रेलिंग वेर अपेरेंटली एडेड ड्यूरिंग द शुंगा पीरियड. इट हैज बीन लार्जली डिस्ट्रॉयड एंड मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग रिमेन्स रेलिंग एंड एंट्रेंस गेटवे आर नाउ इन द इंडियन म्यूजियम इन कलकत्ता. द सेंट्रल स्तूपा वॉज सराउंडेड बाय अ स्टोन रेलिंग एंड 4 तोरण गेट्स इन एन आर्ग्यूमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ सांची. द रेलिंग ऑफ द स्तूपा आर कार्व्ड एंड हैव न्यूमरस इमेजेस ऑफ यक्षास एंड यक्षिनीज ऑन इट. द पिलर एट भरूत ऑल्सो डिपिक्ट्स वेरियस जातक स्टोरीज एसोसिएटेड विद बुद्धास लाइफ. दिस इज द सर्वाइविंग गेट ऑफ स्तूपा, भरूत स्तूपा. This is the only remains left. ये भरूत स्तूपा के remains है. बोधि worship of tree, worship of धर्मचक्र, worship of बोधि tree with यक्षिणी, royal couple visit the Buddha, adoration of the king. एक बहुत important question यहाँ पे arise होता है. Why did the सांची स्तूप is survived and not other stoop have survived. सांची स्तूप 1818 में found हुआ था. जब ये found हुआ था तो इसके 4 gateways में से 3 were standing and 4th had fallen. वो वहीं पर ही गिरा हुआ था और mound was in good condition. तो Alexander Cunningham ने जब इस ruins को examine किया था तो इन्हें ये काफी अच्छा लगा, बहुत magnificent लगा, तो वो इसे तोड़कर अपने अपने देशों में लेके जाना चाहते थे. लेकिन भोपाल की जो बेगम्स थे, उस समय की जो रूलर थी, द रोल ऑफ बेगम वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन प्रिजर्विंग सांची स्तूपा. द रूलर ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम टुक वेरियस स्टेप्स टू प्रिजर्व दिस इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन सांची. अब उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए. सबसे पहले जो इस सांची के स्तूप या पिलर्स को तोड़कर स्कल्पचर्स को लेकर जाना चाहते थे, उन्होंने उन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए एग्जैक्ट रिप्लिका दे दिए. व्हेन द फ्रेंच वांटेड टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे टू बी डिस्प्लेड इन अ म्यूजियम इन फ्रांस एंड सम इंग्लिशमैन आल्सो वांटेड टू डू द सेम, शाहजहां बेगम सेटिस्फाइड देम बाय गिविंग प्लास्टर कॉपीज एंड द ओरिजिनल रिमेन देयर. दूसरा स्टेप उन्होंने लिया, शी मेड डोनेशंस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. थर्ड थिंग शी डिड, ऑल्सो फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ वॉल्यूम्स रिटन ऑन सांची बाय जॉन मार्शल. जॉन मार्शल ने जितना भी इसके बारे में पढ़ाई की, इट वॉज जस्ट बिकॉज दैट शाहजहां बेगम शी हैज फंडेड दिस पब्लिकेशन. फोर्थ, दे स्पेंड मनी ऑन बिल्डिंग अ म्यूजियम एंड गेस्ट हाउसेस नियर द सिटी. सांची में जो म्यूजियम है और जो गेस्ट हाउसेस, बहुत सारे गेस्ट हाउसेस जो बने हैं, यहीं पर ही रहकर जॉन मार्शल ने सांची की पूरी स्टडी करी थी, वॉल्यूम्स लिखे थे और वो म्यूजियम जहां बेगम ने ही बनाया था. और बाकी जगह के स्तूप में सारे रुइंस को किसी ने किसी आर्किटेक्चर वर्क में इस्तेमाल कर लिया था या किसी ने उसको तोड़कर अपने घर में या म्यूजियम में रखने के लिए उसे लेकर चले गए थे. तो दैट इज वाई सांची म्यूजियम इज सांची स्तूपा इज स्टिल
in good condition as compared to other stupas. This are the location of stupas. You can read it afterwards. Summary जो हमने पढ़ी है अब तक के, that stupas were known to in India before ancient times. अशोका के पहले से ही हम stupa के बारे में जानते थे, but stupas को popular करने वाला religion Buddhism था. Second is stupas were solid domes constructed of bricks or stone, varying in sizes. Samrat Ashoka built numerous stupas scattered over the country, but most of the stupas have not survived because of time. Stupas were considered the living presence of the Buddha, his protective powers and his living energy. It was object of veneration. Emperor Ashoka created many stupas all over the country to celebrate the spread of Buddhism and the achievement of Gautam Buddha. I hope this lecture will help you. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe and press the bell icon for latest update. Thank you very much. All the best.